अरे ये फोन पकड़, अबे एक्टिंग शुरू कर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, ये मरा है या जिंदा है ये देखने आई हो? एक्चुअली मुझ में इतना पावर है, ये बात मुझे पावर पता नहीं थी। मैंने तो बस उस दिन ऐसे ही बोल दिया। तो आप क्या करने का इरादा है? मैं आपकी सेवा करके आपको पहले जैसा बिल्कुल ठीक कर दूंगी। कैसे करोगी? आज से मैं आपको चलने की प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है। आपको खाना भी अपने हाथों से खिलाऊंगी। मैं खा लूंगा। तो फिर ग्राइंडर कहाँ है? वहाँ पड़ा है, देखो ना। ये ग्राइंडर है? मेरी मॉम ट्रेंड फॉलो नहीं करती, ट्रेडिशन फॉलो करती है। इसीलिए ये मिक्सी है, ये वॉशिंग मशीन है विद वाटर टैंक, और ये वैक्यूम क्लीनर। शुरुआत क्लीनिंग से करें। अगर मेरी माँ इसे काम करते हुए देखती तो इसे अपने घर की बहू समझती, नौकरानी समझती। अरे 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 अरे, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। थैंक यू, वेलकम। आपके हाथ पैर को कुछ भी नहीं हुआ था? वो क्या है कि आपको गिरते हुए देखा ना, तो शॉक ट्रीटमेंट से ठीक हो गया और दौड़ते हुए आपको बचाने आ गया। हेलो। हे, तुम मुझे भूल गई लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा वेट कर रहे हैं मेरे पास, आजा। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, उसे नहीं तुम्हें मारना चाहिए। मुझे नहीं उसे मारना चाहिए, चला जा। तू आ गई, ये हमें कब से परेशान कर रहा है। मुझसे बचने के लिए ये तुझे साथ लेके आई है क्या? मैं लेडीज के लफड़े में नहीं पड़ता। तुम आपस में समझ लो भाई। ये तुम क्या, उससे कुछ मत बोलो, अपना मामला खुद ही निपटाओ। चलो आ जाओ, ये इनका आपसी मामला है। दरअसल क्या है कि मैंने इनसे कोई सेवा वेवा नहीं करवाई है, बल्कि ये एक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है। मर्द इंस्टीट्यूट में जाके मार्शल आर्ट सीखता है, लेकिन औरतों को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। फाइट सीखने के लिए घर में ही सब कुछ है। जैसे सील बट्टे में चटनी बनाते हो ना, पलटे से हलवा बनाते हो ना, फाइट में भी ऐसे ही खेलना है। सबसे पहले एक काम करो, उसको कपड़े की तरह सुखा कर उस पर क्लिप लगा दो, फिर पंच मारो या बाएं हाथ का चाटा मारो, चॉइस तुम्हारी है। आजा। तुम तो सुपर वुमन निकली। और तुम जानते हो तुम सुपरमैन हो। मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? हम दोनों सुपर के बारे में ही बात कर रहे हैं। मेरा डायलॉग मुझ पे ही। वही है बैरागी, तुम्हारी फोटो लेकर इंक्वायरी करने वाला। ए, उस बैरागी को मारने के लिए मैंने अपने बाप की कुल्हाड़ी पर धार करवाई है। इसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, इसका मतलब वही है वो बैरागी। पहले उसे फिर बाद में इसे भी खत्म कर देंगे। वो खुद मौत के पास भाग कर आ रहे बैरागी। मेरे एक वार से 10 गर्दनें कटेंगी, तू डर जाएगा, अपनी आंखें बंद कर ले सत्या। Ah!
इतने लोग तुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, फिर भी तू सही सलामत है। ये देख इनका क्या हाल बनाया मैंने। आज के बाद तेरे ऊपर कोई भी आंख उठाने की कोशिश करेगा तो उसका यही असर करूंगा, परलोक पहुंचा दूंगा उसको। क्या है कि अगर मेरी कोई छोटी सी भी मदद करता है तो मैं उसकी लाइफ सेट कर देता हूं, और तूने मेरी कोई मामूली हेल्प नहीं की है। दोस्त, आज के बाद तू मेरा गॉड है और मैं तेरा बॉडीगार्ड हूं। एक बार तू अपनी जिंदगी की चाबी मुझे दे दे, फिर देख इन जैसे लोगों की जिंदगी पर कैसे ताला मारता हूं। तू स्टेप बाय स्टेप मेरा कमाल देखता जा, ये तेरी रक्षा करेगा बेटा। समझ में नहीं आता मैंने उसके लिए किया क्या है। मुझे बिना बताए तुमने उसकी कोई मदद की? मैं कोई संत नहीं हूँ जो मदद करूंगा, मैं एक गुंडा हूँ। लेकिन उसे देख करके तो ऐसा लगता है कि उसकी कोई बहुत बड़ी वजह है। वो जिससे मिलता है, जिससे उसकी जान पहचान है और जो भी उसके रिश्तेदार हैं, उन्हें यहाँ लेकर आओ। इंस्टीट्यूट खोलने के बाद ज्वाइन होने के लिए इतने सारे लोग पहली बार आए हैं। वैरागी भाई ने बुलाया है, चलो। जैकी चैन, शाहरुख खान और मैं कहीं नहीं जाते, उन्हें ही यहाँ लेकर आओ। एक घर घर जाकर के सिखाने वाला मैं कोई सेफ मास्टर नहीं हूँ, स्टंट मास्टर हूँ। ए, देखो, समुद्र के पास तुम गए तो मजा आएगा, और वही समुद्र अगर तुम्हारे पास आएगा तो सजा। वैसे भी तुम्हें समुद्र में मार्शल आर्ट की क्या जरूरत, वार्म अप करने से पहले ही तुम आप हो जाओगे। टेस्ट अच्छा नहीं है। क्या हुआ? तू वैरागी को जानता है ना? वैरागी? मैं तो जानता ही हूँ, उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं और वो मेरा नाम सुन के डर जाता है। पागल कहेगा, यही है वैरागी। ये अगर ये वैरागी है तो मैं बिन लादेन हूँ, समझा? मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई भाई। तेरा ऑफिस बॉय गणेश कहाँ है? अरे बाप रे, तुम्हें भी परेशान किया? एक बात बताओ भाई, सिम जहाँ होता है ऑटोमेटिक नेटवर्क वही पकड़ता है, अगर उसकी लबर को एक छोटी सी भी खरोच आ जाती है तो वो वहाँ जरूर पहुँच जाता है। अभी वो लड़की का दुष्टों से दूर रहा करो। अरे रुको 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 भाई भाई भाई, यही है गणेश की लबर का घर। एक्चुअली वो पहले मुझसे प्यार करती थी, बाद में उसकी लबर बन गई, मतलब जमीन हमने तैयार की और खेती वो कर रहा है। मुझ में क्या कमी भाई, हमारी जवानी में घुन लगा है, बेजाक सिटी में चोट रखने वाला पहला मर्द हूँ। अरे बाप रे बाप, इस घर में मेरी जाने मन रहती है, उसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। उसकी टांगे केले के तने जैसी हैं, उसके लिप गुलाब के फूलों के जैसे खिले हुए हैं। भाई आप कुछ भी करो, उस गणेश को खत्म कर दो और इस लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे दो। भैया, वो सच बोल रही है क्या? मैं जिसको लाइन मार रहा हूँ वो सांड की बहन है। मेरी बहन से कोई प्यार करता है ये बात तुम लोगों को पता होते हुए भी मुझसे छुपी रही, इसका जवाब है तुम्हारे पास? चुप हो जा, तू जिसे प्यार करती है उसे भूल जा, बहुत जी लिया, मार डालूंगा उसे।